करेंगे। आप ये लीजिए, आप खाना खाइए, ठीक है? मम्मी जी ने भेजा है, गरम गरम में खाना खाइए। मुझे भूख नहीं है जोया। भूख है आपको, देखिए आप कितनी कमजोर हो गई है। हाँ बैठिए बैठिए बैठ। क्या किया तुमने जोया? व्हाट? क्या मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए तुमने? आदि मुझमें अच्छाई देखना चाहता है, मुझे जोया पर आदि के सामने नहीं चिल्लाना चाहिए। I'm sorry. No, sorry, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। पर अब तो आपको घर जाना पड़ेगा। क्यों? आप अभी जाइए, अभी जाइए, आपको घर जाकर चेंज करना होगा, आप अभी जाइए। माही, हाँ? लेकिन मैंने अभी तक पैंट्स भी ट्राई नहीं किए, तुम घर कैसे जा सकती हो? हाँ, आप अभी घर जाएंगे, प्लीज प्लीज। तुम यहाँ से कुछ पहन लो। हाँ, नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ मर्दों के कपड़े हैं, आप कैसे कुछ भी पहनेंगे? माही जाइए ना प्लीज अभी। हाँ जा रही हूँ मैं, सोया घर जाके चेंज कर रही हूँ। हाँ, जाइए। बाय आदि। बाय। जाइए माही, प्लीज प्लीज माही, बाय। माही फर्क क्या पड़ता है, कपड़े तो। तो ऐसे ही लगता ना। कंटिन्यू। बस सच में चुभा। चुभता है तो ऐसे ही लगता है। थैंक यू पार्थो। सिया। देखिए हमें आपसे साफ साफ बात करनी है, हमें घुमा फिराकर बात करना आता नहीं है। कि कल से आपका चल क्या रहा है? आप क्यों माही के सामने दिखावा कर रहे हैं कि आपके मन में उनके लिए कुछ है? आपकी दुश्मनी हमसे है ना, तो फिर आप उन्हें बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं? और मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम दिन में सपने देखने लगी हो क्या? माही सिर्फ मेरी कॉलीग है और मैं उसे एक अच्छी कॉलीग की तरह ट्रीट कर रहा हूं, दैट्स इट। अच्छा, हमने देखा है कि आप लोगों को कितनी अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। आपके अंदर इतना सरकैज़म भरा हुआ है ना कि आप अच्छा बिहेव भी करना चाहेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। पर हमें बताइए कि क्यों क्यों आप माही के पीछे पड़े हुए, क्यों उनके आगे पीछे करते रहते हैं आप बार बार? तुम्हें क्यों इतनी चिढ़ मच रही है? हमें कोई चिढ़ भेड़ नहीं मच रही है। आपको आपके बचपने में ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप माही को उकसा रहे हैं और हम उनका दिल टूटते हुए नहीं देख पाएंगे, इसलिए प्लीज हमारी दरख्वास्त है आपसे, प्लीज माही से दूर रहिए। फिर से चालू हो गया तुम्हारा। तुम फिर से कंफ्यूज कर रही हो मुझे, कभी ये बोलती हो कभी वो बोलती हो, कभी कहती हो मुझसे दूर रहो, मुझे बख्श दो, मेरे गले पड़ के कह रही हो कि माही से दूर रहो, मेरे शर्ट की बटन बटन लगा रही हो, क्या हुआ क्या है, जेलस वेलस होने लगी हो क्या, मुझे भी बख्श दो। कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं हमसे? अब जब आपको हमें टॉर्चर ही करना है तो हमें बचाते क्यों हैं आप?
मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया क्योंकि मैं तुम्हें बचा रहा था। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं खुद को बचा रहा था। जब तकदीर ने उस हादसे से हम दोनों की जिंदगियों को बर्बाद किया है, हम दोनों के चेहरे पे तमाचा मारा है, तो मैं अकेला क्यों सफर करूं? सर ये बताइए ये क्या है? आप लोगों ने 1 करोड़ का लोन डिफॉल्ट किया है। 1 करोड़ पैसा समय पर ना देने की वजह से आप लोगों का ऑफिस सील किया जाता है। मिस्टर यश अरोड़ा ने हमारे बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया था, आप लोगों को नहीं पता? अरे आदि सर, रोड का लोन यश ने इतना बड़ा लोन लिया था? आपकी कंपनी के अगेंस्ट लिया था, इसीलिए आप लोगों को लीगल नोटिस आया है। या तो आप पैसा लौटाइए या हम आपके ऑफिस को सील कर देंगे। अरे लूजर पति ने मार्केट से कितना पैसा उठाया था? मुझसे 5 करोड़, बैंक से 1 करोड़, कर क्या रहा था इतने पैसों का? कंपनी तो वहीं की वहीं है। साला चीटर, सिर्फ तुम्हें नहीं सबको धोखा दे रहा था। क्या करता था? जिससे मिलता था उधार मांग लेता था, वो लोन पे लोन लिए जा रहा था और तुम्हें पता तक नहीं? कर क्या रहा था इतने पैसों का? शहजादी जोया के लिए ताजमहल का कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसने। देखो माँ और माही वहां किराए के घर में रहते हैं और मैं हर हफ्ते मुंबई मसूरी मुंबई। बहुत मुश्किल हो रहा है सोया, ऐसा लग रहा है कि फिस गया हूं कहीं। और तुम्हें पता है उनके घर का लीज भी खत्म हो गई है, या तो उनके घर का लीज अग्रीमेंट रिन्यू कराना होगा या फिर उनको किसी दूसरे घर में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप उनके लिए वो घर खरीद क्यों नहीं देते? सोया मुंबई में घर खरीदना इतना आसान नहीं है, मसूरी से कहीं ज्यादा रेट है वहां पे। समझ में नहीं आ रहा है करूं तो अगर क्या करूं? तुम वहां रह नहीं सकती और माँ और माही मसूरी शिफ्ट होना चाहते नहीं है, ऊपर से लैंडलॉर्ड ने रेट भी बढ़ा दिया उस घर के। तभी तो हम कह रहे हैं आपसे यश, वो घर उनके लिए खरीद दीजिए ना, उनको भी तकलीफ नहीं होगी और आपको भी जहमत नहीं होगी। बार बार घर देखो, रेंट दो, शिफ्ट करो। यश पैसा ही सब कुछ नहीं होता ना, देखिए जब हम मर जाएंगे तो क्या पैसा जन्नत लेकर जाएंगे? यश पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए होता, तभी हम कह रहे हैं आपसे वो घर उनके लिए खरीद दीजिए ना, सबके लिए बेहतर होगा।
जोया, व्हाट आर यू सेइंग? मैं तुम्हें कुछ और समझाना चाह रहा हूँ जोया, तुम समझ नहीं रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो समझाइए ना यश, हमें आखिर मुद्दा क्या है? जोया तुम सही बोल रही हो, मैं माँ और माही के लिए मुंबई में घर खरीद लेता हूँ। ऐसे आप हमेशा हमारी बात सुना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। यश ने मुझे बताने की कोशिश की थी कि उन्हें पैसों की तकलीफ है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाए। तुमने मुझसे कुछ कहा? हमें पता होना चाहिए था, पर हमें पता नहीं था। देखिए मेरे पास पूरा दिन नहीं है, आगे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए वो आप लोग सोचिए और जल्दी बताइए मुझे। क्या सोचें, क्या बताएं? अभी तक लोन के पेपर्स भी होंगे, अगर लोन लिया तो पेपर्स भी होंगे। लोन के पेपर फटाफट ढूंढो सब लोग। जी सर। बोलो कोठारी। मैंने आपसे कहा था ना इनका ऑफिस सील करना इतना आसान नहीं होगा, वो लोग तो अभी पेपर ढूंढ रहे हैं। What the hell कोठारी, पेपर्स मिले या ना मिले उस ऑफिस को ताला लगना ही है। तलवार रखो आदित्य के सर के ऊपर ताकि जितना जल्दी हो सके वो इस पचड़े से बाहर निकले। बहुत खेल लिया ऑफिस ऑफिस। यस सर। आदि सर, जोया मैम हर जगह पेपर्स देख लिए, कोई भी कैबिनेट्स में पेपर्स ही नहीं मिल रहे। भैया के पास एक लॉकर था जिसमें वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते थे। कहाँ है वो लॉकर? लॉकर। पासवर्ड माही, आपको पासवर्ड पता है? नहीं, पासवर्ड तो भैया के पास ही था। अक्सर लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ या एनिवर्सरीज ही पासवर्ड रखते हैं। ट्राई करो अपना डेट ऑफ बर्थ। उसका बर्थडे। मैं मेरे और मॉम का बर्थडे ट्राई करके देखती हूँ। मैं भी रखा हूँ। मेरा बर्थडे, माँ का बर्थडे, सब ट्राई कर लिया, कोई पासवर्ड मैच नहीं किया। Thank you.
पासवर्ड कैसे पता? पूजा कब दे? पेपर्स पे डेट जो भी हो, पैसा तो आपको देना पड़ेगा, आज हो या कल। आज या कल नहीं, पूरे 3 हफ्ते बाद की डेट है। मतलब 3 हफ्ते का वक्त हमारे पास अब भी है। पूरी जिंदगी लॉयर्स के साथ रहा हूं, इतना कानून तो जानता हूं कि कोई भी बैंक ड्यू डेट से पहले प्रॉपर्टी को सील नहीं कर सकती। अब आप बताइए, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। अच्छा, अपना काम ठीक से कीजिए। मगर 1 करोड़ रुपया आप 3 हफ्ते में लाएंगे कहां से? आपकी कंपनी की हालत किसी से छुपी नहीं है और सब जानते हैं मिस्टर यश अरोड़ा ने मार्केट से काफी पैसा उठाया और वो सब डूब गया। ये मेरी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। मैं चोरी करूं, डाका डालूं, अपनी किडनी बेचूं, क्या फर्क पड़ता है? आप लोग दफा होइए यहां से। और अगली बार 3 हफ्ते बाद अपनी शक्ल दिखाइएगा। गुड जॉब, शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? सो नाउ वी आर फ्रेंड्स। तुम बात कर रही हो मुझसे, भूल गई क्या कह रही थी? दूर रहो मुझसे, अब ऑफिस ऑफिस खेलना है तुम्हें। शुक्रिया, सिर्फ 3 हफ्ते हैं, जो रायता फैलाया ना उसे समेटो और बंद करो ये नया ड्रामा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.